हमारा ये लेक्चर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर 18 पे हम लोग डिमास रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। डिमास रूल्स के मुताबिक हम लोग ये अपने क्वेश्चन जो हैं ये सम्स में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर को आप लोग नोटबुक पे अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमास रूल्स। क्वेश्चन नंबर फोर को देखें, 524 प्लस 48 माइनस 62। 524 प्लस 48 तो आंसर है 572। 572 माइनस 62 माइनस 62, 572 में से 62 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 510। आपने रूल्स नंबर वन और नंबर टू में टू ऑपरेशंस थ्री ऑपरेशंस को भी फॉलो किया है या रीड किया है तो उसके मुताबिक आपने इनको अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है। 831 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड 100, इसका सोल्यूशन देखें कि 800 और 500 को पहले आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिवाइड करेंगे 100 और 500 को, तो 100 5 ज़ार 500, आंसर हमारे पास 5। 831 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर होगा 4155। 5 1 ज़ार 5, 5 3 15, 1 कैरी है, 5 8 40, 40 में 1 ऐड करें तो 41, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर होगा ये 5155। ये आप लोग इसी तरह से ये इसके फोर्थ पार्ट इन ए बी सी डी को इसी तरह से आपने डिमास रूल के मुताबिक नोटबुक पे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, 140 मल्टीप्लाई 65 प्लस 130, सेम एज वही चीज़ है हमारी कि हमारे हमने डिमास रूल्स को और टू ऑपरेशन थ्री ऑपरेशन को सॉल्व करना है। 140 मल्टीप्लाई 65 प्लस 130, 140 मल्टीप्लाई 65, 140 मल्टीप्लाई 65, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 9100। 9100 में प्लस 130 तो आपने प्लस किया 130 तो 9230 है, ये आपका सोल्यूशन है। और ये आपका इस सीक्वेंस से आपने नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने नोटबुक पे अपने सॉल्व करने हैं।